फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल बचा हुआ है, कितना फ्यूल क्वांटिटी शेष है? ये हवाई जहाज के कॉकपिट में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के नीडल से या अगर ग्लास कॉकपिट है तो स्क्रीन पर डिजिटल फॉर्मेट में रीडिंग कैसे आ जाती है कि इतना फ्यूल, इतना पाउंड फ्यूल या इतना किलोग्राम फ्यूल फ्यूल टैंक में बचा हुआ है? आइए इस वीडियो में समझते हैं हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी कैसे मेजर की जाती है। इसे समझने से पहले हम कैपेसिटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में जो प्रोब यूज होते हैं फ्यूल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, वो कैपेसिटर के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जिन्हें कैपेसिटेंस ट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इस कैपेसिटेंस ट्रांसमीटर के बारे में समझने से पहले हम कैपेसिटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। कोई भी कैपेसिटर है उसमें दो प्लेट होते हैं, कंडक्टिव प्लेट्स होते हैं, मेटल प्लेट्स होते हैं, और बीच में स्पेस होता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडिया होती है। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर हम एयर की बात करें तो हवा की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। अगर हम फ्यूल की बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पर, तो करीब करीब इसकी वैल्यू 2 होती है। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब ठीक हम हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में आते हैं, जो प्रोब यूज होता है जिसे कैपेसिटर ट्रांसमीटर बोलते हैं, कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसमीटर बोलते हैं। इस कैपेसिटेंस टाइप फ्यूल ट्रांसमीटर में दो हॉलो टाइप कोसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, और ये दोनों सिलेंडर कैपेसिटर के दो प्लेट की तरह बिहेव करते हैं। इन दोनों सिलेंडर के प्लेट्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें फ्यूल होता है। अगर फ्यूल नहीं होता है तो हवा होती है। परपेंडिकुलर ये प्रोब हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में डाल दिए जाते हैं, जो कि बॉटम को टच करते हैं। तो जब हवाई जहाज का फ्यूल टैंक फुल होता है तो इस प्रोब जिसमें दो कोसेंट्रिक प्लेट्स हैं, सिलिंड्रिकल प्लेट्स हैं जिनके बीच में स्पेस है, तो अगर टैंक फुल होगा तो दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है जहां डाइलेक्ट्रिक मीडिया होती है वहां फ्यूल होंगे। तो फ्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू करीब करीब 2 होती है। जब हवाई जहाज का फ्यूल टैंक फुल होगा उस समय प्रोब के कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल कम होता जाएगा तो जो ऊपर दो प्लेट के बीच में स्पेस खाली हो रहा है उसमें हवा आती जाएगी। और चूंकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हवा का डाइलेक्ट्रिक वैल्यू 1 होता है, जिससे अल्टीमेटली कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे जैसे हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल कम होता जाएगा प्रोब में दो कोसेंट्रिक जो प्लेट्स है उनके बीच में जो लेवल है वो भी कम होता जाएगा, जिससे उस प्रोब के प्रोब टाइप कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। और चूंकि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू फ्यूल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है, तो इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रोसेस करके, कन्वर्ट करके, पाउंड में कन्वर्ट करके या केजी में कन्वर्ट करके हवाई जहाज के फ्लाइट डेक में, चाहे वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो या LCD स्क्रीन है, उस पर फ्यूल की एक्चुअल क्वांटिटी, हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में बची हुई एक्चुअल क्वांटिटी पाउंड्स में या केजी में आ जाती है, जिससे पायलट को ये पता हो जाता है कि हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल शेष है, यानी कि फ्यूल की क्वांटिटी इस समय इतना है। तो ये बहुत ही आसान था, आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आई वुड सजेस्ट टू गो इन डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल देता हूँ, एक बार उससे गो थ्रू हो लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और समझ सके कि हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी कैसे मेजर की जाती है। उत्साहवर्धन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एयरक्राफ्ट और एविएशन से रिलेटेड वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे अपडेटेड विद एविएशन टुडे। थैंक यू।